हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेंडोरम मूवी के बारे में। और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। अब वो कहाँ मिलेगी वो तो आपको पता है कि मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इसलिए आपको मैं इतना ही कहूंगा कि भाई इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर देना, और ज्यादा अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। चलिए शुरू करते इस मूवी की स्टोरी से। तो कहानी शुरू होती है स्पेसशिप से, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से बात करेंगे, यानी कि अर्थ पर ओवर पॉपुलेशन हो गई और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको तो पता है क्लाइमेट की किस तरीके से बच चुकी है। तो अब ऐसा होगा कि कुछ सालों बाद अर्थ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अब साइंटिस्ट लोगों को ये बात पता, तो इसीलिए वो एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ रहे हैं जहां पर कुछ लोगों को वहां पर बसा सके और फिर से इंसानियत की शुरुआत कर सके। तो ऐसे में साइंटिस्टों को एक प्लैनेट मिल गया जिसका नाम है टेनिस। तो अभी लोग क्या करें, एक बड़ी सी स्पेसशिप बनाया जिसका नाम एलिजियम। अब उस स्पेसशिप में कुछ 60,000 पैसेंजर्स और कुछ एनिमल्स के डीएनए और कुछ क्रू मेंबर्स को डाल के इस सफर पर रवाना कर देंगे। अब उन लोग को अर्थ से उस प्लैनेट में पहुंचने के लिए करीब 123 साल जाएगा। तो इसी वजह से वो जितने भी पैसेंजर्स हैं उन लोगों को हाइपर स्लीप में डाल के, यानी कि एक गहरी नींद में सुला के वहां तक लेकर जाएंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब दो क्रू मेंबर्स यानी कि लेफ्टिनेंट पाइथन और बोवर, इन दोनों अचानक जाग जाते हैं। अब उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको देखनी पड़ेगी ये जबरदस्त अंडररेटेड मूवी। बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, ये एक हॉरर साइफाई मूवी है। आपने इससे पहले स्पेस से रिलेटेड मूवीज देखी होगी या इस तरीके की मूवी आप हॉलीवुड में कई बार देख चुके, लेकिन यहाँ पर जो एक साइकोलॉजिकल टच डाला इस मूवी में वो तो यूनिक लगता ही है। और साथ साथ उसके अलावा इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक रियल बनाने की कोशिश की गई है। यानी आपको तो पता है कि हमारे प्रेजेंट अर्थ में भी इसी तरीके की सिचुएशन है, और आज नहीं तो आज से 100-150 साल बाद तो ये सारी सिचुएशन होने वाली है कि अर्थ पर से कुछ लोग वाकई में कुछ इस तरीके के प्लैनेट पर भी जाएंगे और वापस एक नई इंसानियत की शुरुआत होगी। तो इसी वजह से इस मूवी का जो पूरा कॉन्सेप्ट तक रियल महसूस होता है, और इस मूवी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट भी है। उसके अलावा बात करेंगे इस मूवी में कैरेक्टर्स की। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप मूवीज किस लिए देखते हो, आप खुद को उस हीरो की जगह पे महसूस कर पाते हो, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूवीज इसी वजह से देखते हैं कि वो लोग मूवी से काफी हद तक रिलेट कर पाए। तो यहाँ पर उन कैरेक्टर्स को इस तरह से लिखा कि मानो कि आप अगर वहां पे उस सिचुएशन में हो तो आपको किस तरीके से डर फील होगा, या आप उस टाइम पे क्या महसूस करोगे, वो सब कुछ आपको उन कैरेक्टर्स में देखकर फील आता है। एटलीस्ट मैं ये सारी चीजें महसूस कर रहा था फिल्म को देखने के दौरान, अभी आप लोगों का मुझे पता नहीं। उसके अलावा बात करेंगे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की। तो यहाँ पर जो एक एटमोसफेयर उन लोगों ने क्रिएट किया है, जो स्पेसशिप बताई है ना, वो यार बहुत जबरदस्त है। वो एक डर का माहौल क्रिएट करती है। उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने क्रिएचर्स को प्रेजेंट किया है यहाँ पर, हालांकि उनको देखकर मुझे द डिसेंट मूवी की याद आ रही थी, क्योंकि उस मूवी के क्रिएचर्स भी इस क्रिएचर से काफी हद तक सिमिलर लग रहे थे। उसके अलावा इस मूवी में जिस तरीके से उन लोगों ने लाइटिंग का यूज किया, या जिस तरीके से एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिला, तो इस हिसाब से सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की बहुत अच्छी है। अब एक्शन का जिक्र हो गया तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर थ्रू आउट द मूवी में जो आपको एक्शन देखने को मिलेगा, कुछ एक्शन आपको क्लियर कर समझ में आ रहा है कि हाँ क्या चल रहा है, लेकिन बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस ऐसे भी है जो पलक झपकते आपके सामने से होकर खत्म हो जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा कि हुआ क्या था। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट है इस पूरी मूवी का। बात करेंगे इस मूवी के बीजीएम की। तो यहाँ पर एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वो ये कि एक पर्टिकुलर सीन है जहां पर फर्स्ट टाइम हमें वो क्रिएचर्स की आवाज आती है जो हमें इस पूरी मूवी में देखने को मिलता है। तो वहां पर जो एक रोंगटे खड़े होते हैं ना, इसके वो यार बहुत ही टेरिफिक है। उसके लिए इस मूवी का ओवरऑल बीजीएम मुझे अच्छा लगा। बात करेंगे इस मूवी में एक्टर्स के परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे डेनिस क्वेड और बेन फॉस्टर, इन दोनों का काम मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सभी लोगों ने अपने इससे काम को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। उसके अलावा इस मूवी का जो सस्पेंस है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक बरकरार रहता है, और एंड में जो एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है ना, वहां पर तो बूम, वो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि इसका एंड इस तरह से होगा। इस मूवी के डायरेक्शन की, तो यहाँ पर काफी अच्छा लगा डायरेक्शन। और बात करेंगे इस मूवी की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव हिस्सा है इसका स्टार्टिंग में आपको 10 मिनट ये मूवी थोड़ा बोर करती है, और चीजें समझने में आपको थोड़ा वक्त लगता है इस मूवी में। तो इसी वजह से अगर आप इस मूवी के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट अगर बर्दाश्त कर लोगे तो ये मूवी आपको आगे चल के एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। उसके अलावा इस मूवी की जो दूसरी नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका एक्शन, जिसको इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे, लेकिन ओवरऑल एक्शन अच्छा है। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3.5 out of 5। ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। मूवी में कोई एडल्ट सीन तो नहीं, हाल वॉयलेंस के सीन है वो तो इतना तो चलता है, सबको पता है कि वो सीजीआई के थ्रू होता है। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात कि ये मूवी कहाँ देखने को मिलेगी, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरा टेलीग्राम अकाउंट का लिंक है, वहां पर आपको ये मूवी मिल जाएगी फ्री में देखने के लिए। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं तो आपसे इतना ही बोलूंगा कि मूवी देखना तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दिल देन।